तो कैसे आप सब ठीक हैं? तबीयत वबीयत सेट है? तो गाइज आज छठा रोजा है, तो रोजा मुबारक। और गाइज आज की वीडियो में हम लोग तीन बातें करेंगे। सबसे पहली बात ये है कि आपके भाई ने खुद अपने एडिटर से एक इंट्रो बनाया है। आप लोग चेक तो करें कैसा लग रहा है। अच्छा लगा होगा, बस मेरी है दुआ है कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। और ये शायद आगे जाके लगे, अभी तो नहीं, क्योंकि अभी जो ये वाला इंट्रो, ये वाला अभी बेस्ट चल रहा है। मतलब अभी के लिए बस यही सही है। कुछ दिनों बाद एक नया इंट्रो आएगा, यानी कि 10वें रमजान में नया इंट्रो आएगा, 20वें में नया, और चांद वाले दिन नया इंट्रो, नई वीडियो के सामने आपके सामने हाजिर होंगे। तो भाई अब चलते हैं दूसरी बात पे। दूसरी बात जो है उसके लिए मुझे पॉज करना पड़ेगा। दूसरी बात के लिए पॉज तो करा, लेकिन उसके लिए माहौल नहीं बना, तो सबसे पहले माहौल बनाएंगे। तो चले माहौल बनाते हैं। तो यह दूसरी बात यह है कि माहौल एकदम सेट हो चुका है, तो दूसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। तो भाई दूसरी बात यह है कि कभी कभार दिल में यह आता है कि वो दिन कैसा होगा जिस दिन कोई मुझे याद नहीं रखेगा, सब भूल चुके होंगे, कोई मेरी वीडियोस नहीं देखेगा, कोई मुझे जानता नहीं होगा, लेकिन तब भी उन लोगों को मैं पसंद हूँगा जो लोग मेरे साथ घूमते हैं, मेरे दोस्त हैं, जो मेरे कज़न हैं, उन्हें मैं हमेशा याद रहूँगा। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के दिलों को छुए बात। चलें तीसरी बात की तरफ बढ़ते हैं। तो उसके लिए माहौल तो नहीं बनाएंगे, लेकिन बहुत ज़रूर करेंगे। तो या तीसरी बात यह है कि जैसे जैसे मेरा यूट्यूब चैनल आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे मेरी स्टोरी टेलिंग ज़्यादा अच्छी होती गई और विजुलाइजेशन बढ़ती गई। तो अभी जो मेरी स्टोरी टेलिंग है वो थोड़ी अच्छी हो चुकी है पहले के मुताबिक, क्योंकि पहले कुछ बातों के आप अगर पुरानी वीडियोज़ देखें तो मेरी जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत हकलाने वाली है। मतलब मेरी कॉपीकैट वाली वीडियोस देखें, उसके अंदर मैंने मेरी एक वीडियो थी ऐसे बोला था, जबकि मैं अगर चाहता तो मैं उसे ऐसे बोलता है कि भैया मेरी एक वीडियो थी, मैंने उसे चेक करा तो वो है, भाई मेरी कॉपी निकली यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये बोलता मैं। लेकिन तब मेरी स्टोरी टेलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अब मेरी स्टोरी टेलिंग अच्छी हो चुकी है। और फ़ोन की जो बात करें, क्वालिटी की बात करें, वो थोड़ी बेहतर हो चुकी है। मतलब मैंने कोशिश तो अपनी पूरी करी है कि यार अच्छी करूँ, कोशिश पूरी करी है, लेकिन अब जितनी हो सकेगी उतनी करी है मैंने। चले आगे भी एक बात करनी है, तीसरी बात में ही वो इंक्लूड है, उसके लिए मुझे पॉज करना पड़ेगा फिर से। हाँ तो भैया तीसरी बात में ये भी इंक्लूड है कि आज की जो वीडियो है उसके अंदर गाना है, गाना इंक्लूड करा है मैंने। और अभी मेरी हालत थोड़ी अच्छी नहीं हो रही, क्योंकि रोज़े में बाहर कौन निकलता है, सारे रोज़े रख रहा हूँ मैं, देख लो। इससे भी एक सबक मिलता है आप लोगों को, रोज़े रखो यार, रमज़ान आए क्यों है। और रमज़ान ट्रांसमिशन कब आ रही है भाई? पहली वीडियो अपलोड होगी 10 रमज़ान को, तो देखना मत भूलिएगा। और गाइस उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक करें, इसे कमेंट करें, इसे शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाओ दबाओ। तो गाइस आज की वीडियो इतनी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, फिन सही है, अल्लाह हाफिज़।